हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। मैं वापस आ चुका हूं हजारीबाग के मंजू मोटर्स में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूं, फ्रंट में आप देख पा रहेंगे ये रही रेनॉल्ट ट्राइबर की RXL वेरियंट, जो की फ्रंट में आप व्हाइट कलर के साथ देख पा रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसी 7 सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको केबिन स्पेस काफी अच्छा मिले, साथ में 2024 में न्यू अपडेट के साथ मिले, तो आज ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। तो ओवरऑल आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बताएंगे कि अगर आप ट्राइबर न्यू अपडेट के साथ लेते हैं तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है, और साथ में इस वीडियो में इस गाड़ी का एक्स शोरूम ऑनडो सब कुछ कवर करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं कि आप रेनॉल्ट ट्राइबर लेने का प्लान करते हैं तो ये सारी वेरियंट आपको मिलने वाली है। देन अब बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक वेरियंट की, तो ये सारी वेरियंट में आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की, तो RXL में ये सारी कलर यहाँ पे मिलने वाली है। अब बिना देर किए हुए चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और स्टार्ट करते हैं कि इस वेरिएंट में आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है, साथ में इस वीडियो में इसमें कौन कौन सी न्यू अपडेट है वो भी चीज मैं आपको साइड बाय साइड क्लियर करते जाऊंगा। आते गाड़ी के फ्रंट के हेडलैम्प में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलने वाली है, जो की हैलोजन बल्ब के साथ मिलने वाली है। हाई बीम आपको रेगुलर बल्ब के साथ मिलती है, और इसकी टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पे आप देख पा रहे। एक चीज काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे हेडलैम्प के इनसाइड में क्रोम की यूजेस की गई है, जो कि इस फेंडर से गाड़ी के लुक को काफी एनहांस करती है। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग मिलने वाली है, और फ्रंट में बड़ा सा आपको रेनॉल्ट की लोगो मिलती है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसकी रेडिएटर ग्रिल की बात की जाए तो ये काफी अच्छी डिजाइनिंग के साथ मिलती है। साथ में इसकी फ्रंट की स्कीट प्लेट की बात की जाए तो ये मैट ब्लैक कलर के साथ आने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की अपर बोनेट की, तो कुछ इस टाइप की कर्व डिजाइनिंग के साथ मिलने वाली है, जो की गाड़ी को आगे से एरोडायनेमिक बना के रखती है। साथ में यहाँ पे देख पा रहे इसकी जो वाशर की प्लेसिंग है वो बोनेट में होने वाली है, और इसके विंडशील्ड में आते हैं तो यहाँ पे दो वाइपर मिलती है। आधे गाड़ी के रूफटॉप में, तो यहाँ पे रेगुलर वायर के साथ एंटीना मिलने वाली है, कुछ इस टाइप की ब्लैक कलर में एक वीट आपको मिलने वाली है, और इसकी रूफटॉप की डिजाइनिंग कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के साइड के प्रोफाइल में, तो आप इसकी लुक देख पा रहे होंगे काफी अच्छी यहाँ पे लुक मिलने वाली है। देन सबसे पहले इसकी जो साइड के लुक को एनहांस करती है, यहाँ पे इसकी जो व्हील कवर है ये एज अ अलॉय व्हील की फील करवाती है, लेकिन एक्चुअल में ये व्हील कवर है जो की साइड के लुक को काफी अट्रैक्टिव बना देती है। साइड से सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो यहाँ पे 182 mm आपको मिलती है। देन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल में, तो कुछ इस टाइप की सिल्वर के साथ आपको व्हील कवर मिलने वाली है, एज अ ये अलॉय व्हील की फील करवाती है। देन यहाँ पे स्टील रिम आप देख पा रहे होंगे, टायर जो है वो C8 कंपनी के साथ आने वाली है। टायर प्रोफाइल 165/80 R14 inch की मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाली है, और फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, तो इसकी जो क्लाइडिंग है वो टायर के अपर में ही मिलने वाली है। देन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी टर्न इंडिकेटर फ्रंट के फेंडर में मिलती है। गाड़ी के ORBM में आते हैं, तो ये आपको मैनुअली ऑपरेटेड ब्लैक कलर के साथ ORBM मिलने वाली है। डोर हैंडल्स में आते हैं, तो ये भी मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। अब बात करते हैं गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलने वाली है, जहाँ पे लॉक अनलॉक की बटन्स मिलती है, पीछे कंपनी की लोगो मिलने वाली है, और जो दूसरा की आपको मिलने वाला है वो आपको एक नॉर्मल मैनुअल की मिलती है। कुछ इस टाइप की यहाँ पे दो चाबी इसमें मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल में, तो आप देख पा रहे होंगे तो बैक की लुक कुछ इस टाइप की यहाँ पे होने वाली है। देन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के टेल लैम्प में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो रेगुलर बल्ब के साथ आने वाली है, हालांकि इसकी विजिबिलिटी और इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी मिलती है। टर्न इंडिकेटर और इसकी रिवर्स लाइट ये भी आपको रेगुलर बल्ब के साथ मिलती है। पीछे कंपनी की लोगो और ट्राइबर की ब्रांडिंग आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे रेनॉल्ट की ब्रांडिंग होने वाली है। सबसे पहले ऊपर में आते हैं, तो यहाँ पे LED हाई स्टॉप लैम्प आपको मिलने वाली है। इस वेरियंट में वाइपर या डिफोगर आपको नहीं मिलती है। देन यहाँ पे पीछे 4 पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे पीछे की डिजाइन की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको डिजाइनिंग मिलने वाली है। अब करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो विदाउट 7 सीट अगर आप फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे 84 लीटर का बूट स्पेस मिलती है, लेकिन अगर आप 7 सीटर अगर फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे 625 लीटर की बूट स्पेस बन जाती है, तो फिर यहाँ पे बिग साइज में आपको बूट स्पेस मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी की स्टेपनी की, तो कुछ इस टाइप की नीचे प्लेसिंग होने वाली है, जो कि स्टील रिम रेड कलर के साथ आने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के सेकंड रो में, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी सीट की, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट डुअल टोन के साथ मिलने वाला है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये पूरी तरह से ब्लैक और साइड में व्हाइट कलर के साथ मिलती है। सेकंड रो की जो सीट है वो 60/40 फोल्डेबल आने वाली है, बीच में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग मिलने वाली है। दोनों हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ RXL वेरिएंट में मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की सेकंड रो की लेग स्पेस की, तो यहाँ पे बड़े लोग आराम से कंफर्टेबल होके बैठ
सकते हैं। साथ में पीछे की कंफर्ट के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसी वेंट की कंट्रोल्स आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब है RXL में भी आपको एसी वेंट आपको मिलने वाली है जो कि यहाँ पे प्लेसिंग होती है। अब जैसे ऊपर में आते तो यहाँ पे जो आपको हैंडल्स मिलने वाली है वो फिक्स के साथ मिलती है। अब आते गाड़ी के सेकंड डोर्स के ट्रिम्स में तो ये डुअल टोन के साथ आने वाली है। पीछे आपको पावर विंडोज आपको नहीं मिलने वाली है और ये लॉक अनलॉक वाली वो रेगुलर नॉब के साथ आने वाली है। यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। साथ में पीछे किया कॉइन कैरी करनी है और यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो रेगुलर कार्स की तरह चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलने वाली है। अब चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो में, तो इसके लिए यहाँ पे टंबल डाउन आपको सीट मिलने वाली है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे एक आपको लिवर मिलने वाला है, जस्ट इसे आपको ऊपर करना है, ऑटोमेटिक फोल्ड होने के बाद आगे चली जाती है और यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेस बन जाती है जिसके थ्रू आप गाड़ी के थर्ड रो में जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोनों हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है, 50-50 फोल्डेबल, और सीट की डिजाइनिंग यहाँ पे सेम मिलने वाली है। अब ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको फिक्स हैंडल मिलने वाली है। देन यहाँ पे कुछ कैरी करनी है तो साइड साइड में कुछ आप कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के थर्ड रो में, तो यहाँ पे भी आप एसी वेंट आप देख पा रहे होंगे। तो पहले क्या होता था ना कि RXL वेरिएंट में एसी वेंट आपको नहीं मिलती थी सेकंड या थर्ड रो में, लेकिन अब यहाँ पे एसी वेंट मिलती है तो ये काफी अच्छी बात है। ये आपको न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की थर्ड रो की स्पेस की, तो यहाँ पे यार थर्ड रो काफी अच्छी मिलने वाली है। आपके घर के जो चाइल्ड होंगे वो कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। अडल्ट अगर 18-20 साल का लड़का हो तो कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, बट शॉर्ट जर्नी के लिए काफी अच्छी बात है, लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पे एक जो न्यू अपडेट होने वाली है कि पीछे भी आपको सीट बेल्ट का रिमाइंडर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखने वाली है। ये फीचर्स पहले आपको नहीं मिलती थी, लेकिन अब जितने मॉडल्स आने वाले हैं इसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर की फीचर्स मिलने वाली है। अब आते गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में, तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो इंटीरियर है वो डुअल टोन के साथ मिलने वाली है, जो चीज मैं आपको आगे कवर करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में, तो इसकी जो डोर स्क्रीन से वो आपको डुअल टोन के साथ मिलने वाली है। देन यहाँ पे फ्रंट की दो पावर विंडोज आपको मिलती है। देन यहाँ पे की या कॉइन कैरी करनी है, नीचे 1 लीटर की बोतल होल्डर, और फ्रंट में यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलने वाली है। साथ में गाड़ी के ORBM को कंट्रोल्स करना है तो मैन्युअली रूप से कुछ इस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डुअल टोन के साथ फैब्रिक सीट मिलती है। इसकी थाई सपोर्ट यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। बात करते गाड़ी की शोल्डर सपोर्ट की, तो ये भी काफी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे जो दोनों हेडरेस्ट है वो फिक्स के साथ मिलती है, हालांकि इसमें हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती है, लेकिन गाड़ी के सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करना है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग में, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी शेप में 3 स्पोक के साथ मिलने वाली है। बीच में लोगो और कुछ इस टाइप की साउंड होने वाली है, और ये जो स्टीयरिंग है वो टिल्ड के साथ मिलती है। चाबी की प्लेसिंग कुछ इस टाइप की यहाँ पे होने वाली है। साथ में लाइट लेबलिंग वाली स्विच यहाँ पे आपको मिलने वाली है। गाड़ी के बोनेट को ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और फ्यूल लिड को ओपन करना है तो यहाँ पे सीट के नीचे प्लेसिंग होती है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैट ब्लैक कलर के साथ होने वाली है। साथ में यहाँ पे 2 एयरबैग्स मिलती है, को ड्राइवर और दूसरा ड्राइवर के साइड में। अब आते हैं गाड़ी के ग्लो बॉक्स में, तो स्पेस देखो यार, काफी अच्छी स्पेस मिलती है, और पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेस दी गई है हर एक चीजों के लिए। साथ में जो गाड़ी की मैनुअल बुक है कुछ इस टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, गाड़ी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी यहाँ पे इसकी केबिन स्पेस और इसकी ग्लो बॉक्स मिलती है। साइड के एसी वेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आप देख पा रहे होंगे। देन गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटेड म्यूजिक सिस्टम आने वाली है, जो कि ब्लूटूथ और FM के साथ आने वाली है। सारे यहाँ पे बटन्स आपको मिलने वाली है, कुछ कुछ नॉब्स आपको मिलने वाली है, और ये काफी अच्छी बात है। कुछ इस टाइप से ये ओपन होती है, जहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलने वाली है, जहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह आप इस म्यूजिक सिस्टम में लगवा सकते हैं। ऑडियो ऑक्स जैक आपको यहाँ पे लगानी है। अब जैसे नीचे आते तो हैजार्ड लाइट की बटन, सेंट्रल लॉकिंग और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलती है। तो सेफ्टी के लिहाज में देखा जाए तो यहाँ पे सेफ्टी को लेकर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो न्यू है, वो चीज मैं आपको इंजन के प्रोफाइल में कवर करूंगा। लेकिन नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स और सारे नॉब मिलने वाली है। फोन यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। देन नीचे आप देखो यार, स्पेस काफी अच्छी मिलती है, और यहाँ पे 12 वाट का रेगुलर चार्जर मिलने वाली है। गाड़ी के गियर्स में आते तो 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ होने वाली है। रिवर्स जो है वो फ्रंट 1 गियर के साइड में लगने वाली, कुछ इस टाइप की नॉब मिलती है जिसे ऊपर करने की जरूरत पड़ती है, फिर जाके आप रिवर्स लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे 2 कप होल्डर, और यहाँ पे स्पेस देखो यार, काफी बड़ा यहाँ पे कंसोल बॉक्स मिलने वाला है, हालांकि इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाली है। अब ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे न्यू अपडेट हुई है, पहले रेगुलर बल्ब आती थी लेकिन अब यहाँ पे LED बल्ब मिलने वाली है, जिसकी विजिबिलिटी और लाइटिंग काफी अच्छी है। ऊपर में आप माइक देख पा रहे, और साथ में इधर कोई सनग्लासेस होल्डर आपको नहीं मिलती है। IRBM है वो आपको डे के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस टाइप के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाली है, जो कि देखने में काफी प्रीमियम फील करवाती है। और ऊपर में रेनॉल्ट की ब्रांडिंग आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप की व्हाइट एंड ब्लू कलर के साथ मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में LED RPM मीटर मिलने वाली है, राइट साइड में गाड़ी कितनी हीट है, फ्यूल कितनी है, और जरूरत की सब कुछ मिलने वाली है।
वाली है। बीच में एक चीज मैंने आपको बताया था ना कि पीछे सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये आपको यहाँ पे दिखने वाली है। डोर्स ओपन है, देन ऊपर में आते हैं तो ये जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल के साथ मिलने वाली है। देन यहाँ पे एक नॉब देख पा रहे जहां पे आप ट्रिप ए ट्रिप बी अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी क्या रेंज दे रही है, साथ में इंस्टेंट क्या माइलेज दे रही है, गाड़ी एवरेज क्या दे रही है वो आप देख सकते हैं। तो एवरेज देखो यहाँ 20.9 किलोमीटर पर लीटर यहाँ पे दिख रही है, गाड़ी 40 किलोमीटर चली है और यहाँ पे एवरेज देखो यार। तो इस गाड़ी को आप चलाओगे ना तो इस गाड़ी से इतना भी आप माइलेज निकाल सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। देन आगे जाते हैं तो यहाँ पे फ्यूल यूजेस आप देख सकते हैं, और आगे अगर जाते हैं तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने वाली है, ये काफी अच्छी बात है, इसमें आपको जरूरत की सारी फंक्शन मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले आप देख पा रहे तो ब्लैक कलर में एक इंसुलेशन मिलने वाली है जो कि कहीं ना कहीं इंजन के नॉइस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है। साथ में आप देख पा रहे जो इंजन की प्लेसिंग है कुछ इस टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है, एक साइड की ब्रांडेड बैटरी मिलती है और यहाँ पे ब्रेकिंग को लेकर सारे सिस्टम्स आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पे 1 लीटर 1000 cc की इंजन आपको मिलने वाली है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आने वाली है। अब बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे 72 PS का पावर जनरेट होता है, और बात करते हैं इस इंजन से मैक्सिमम टॉर्क की, तो 96 Nm आपको टॉर्क इस इंजन से मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात की कंपनी के साइड से इसमें आपको जो वारंटी मिलेगा वो 2 साल या 50,000 का कवरेज होता है, लेकिन आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो टोटल 1,00,000 किलोमीटर या फिर आप 5 साल तक आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो एनकैप ग्लोबल से 4-स्टार रेटिंग ड्राइवर को मिलने वाली है। अगर कम प्राइस में सबसे अच्छी सेफेस्ट कार अगर आप लेने का प्लान करते हैं वो भी 7 सीटर के साथ, तो आप ड्राइवर को ले सकते हैं। ये आपके फैमिली के लिए सबसे कम प्राइस में आपको सेफेस्ट कार 7 सीटर के साथ होने वाली है। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे ABS, EBD, CSC 2 एयरबैग आपको मिलने वाली है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलने वाली है, और ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ब्रेक असिस्ट मिलने वाली है। एक्चुअल अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 15+ यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाली है जो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं अगर आप ट्राइबर RXL वेरियंट लेते हैं तो इसकी जो एक्स शोरूम है वो 6,80,000 के आसपास पड़ने वाली है, और इसकी जो ऑन रोड है वो हजारीबाग मंजू मोटर्स में 7,85,000 के आसपास पड़ने वाली है। तो ओवरऑल अगर 8 लाख के बजट में एक 7 सीटर ऐसी कार लेने का प्लान कर रहे हैं जो कि आपके फैमिली के लिए सेफेस्ट हो, जरूरत की सारी फीचर्स हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप रेनॉल्ट की ट्राइबर ले सकते हैं, जरूरत की सारी फीचर्स मिलती है और ये 4-स्टार एनकैप ग्लोबल में रेटेड मिलती है। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।